हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे पालक वाली दाल। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 2 कप राहर की दाल को मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखी हूँ। इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसे 2 सीटी आने तक के लिए बॉईल किया है। फिर यहाँ पे एक कढ़ाई ले रही हूँ मैं, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा का डाल दूँगी। और ज़ीरा जैसे ही हमारा क्रैक हो जाएगा, इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच हींग का डाल दूँगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 प्याज को चॉप करके रखी थी, उसे भी मैं डाल दूँगी। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करना है। हाई फ्लेम में अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और इसके साथ में मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चों को चॉप करके डाल रही हूँ, और साथ में 3 लाल सूखी मिर्चें भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे, या जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। तो देखिए, अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को चॉप करके रखी थी, 2 मीडियम साइज के टमाटर, अब मैं उसे डाल दे रही हूँ। और टमाटर को भी हमें कुक करना है 2 से 3 मिनट तक के लिए, या जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। जितना भी आप नमक पसंद करते हैं आप उतना नमक डाल सकते हैं। और इसके साथ में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली है, लाल सूखी मिर्चें भी डाली है, इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसके साथ में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसे भी हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। देखिए, हमारा जो टमाटर है वो गल चुका है। तो यहाँ पे जो हमने दाल को उबाल के रखी थी, अब मैं इस दाल को इसमें डाल दूंगी। दाल में भी हमने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल किया हुआ है, इसलिए नमक आप देख के डालिए, या फिर दाल बॉईल करते समय आप नमक मत डालिए। भुने मसाले में दाल डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे, या जब तक हल्का सा खौल ना आ जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। जैसे ही हमारी दाल हल्की सी खौल जाएगी, हम इसमें पालक भाजी डाल देंगे। हमने यहाँ पे 300 ग्राम पालक भाजी ली है। इसे मैंने अच्छी तरीके से धोने के बाद में कट करके रखी थी। अब हम इसे हल्के हाथों से चला देंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे दाल में। नाज़रीन, मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर मैं कोई गलतियाँ करती हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारी दाल है पालक में अच्छी तरीके से मिल चुकी है। तो इसे लीड लगा के मैं 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करूँगी मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ देखिए, मीडियम फ्लेम में मैंने 1 से 2 मिनट इसे कुक किया था ढक करके। अब जो हमारी दाल है वो भी अच्छी तरीके से मिल चुकी है पालक में, पालक भी जो हमारी है गल चुकी है। एक बार अच्छी तरीके से हम इसे चला देते हैं। दो से तीन मिनट तक के लिए आप इसे कुक करिए, या जब तक इसमें खौल ना आ जाए तब तक आप इसे कुक करते रहिए। तो यहाँ हमारी दाल में खौल आ चुका है, तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करने के 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। याद रखिए, 1 से 2 मिनट बाद ही आप इसमें नींबू का रस डालिए। 1 बड़ा नींबू ले लीजिए, या 2 बड़े चम्मच नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। तो इससे टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा निकल के आता है। फिर इसे हल्के हाथों से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ या रोटियों के साथ में सर्व कर सकते हैं।
सो नाज़रीन, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।